हमें विरासत के रूप में वो गौरवान्वित हो, ये कर्म हमको आपको मिलकर करना है। और हेरिटेज की 100 वर्ष के बाद हर्ष भवन को ले लेता है, यहां क्यों नहीं लिया? विचार इस पर हो और अगला वर्ष अगर जब ये आए तो इसकी जरूरत न पड़े, ये हम लोग वातावरण बना करके और जो विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग के अंदर का माहौल है, आपने जिस सकारात्मकता के साथ कदम बढ़ा रहे हैं, जिस माहौल को आप खड़ा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम पुनः उस स्थान को प्राप्त करेंगे जहां हम थे। हमारे उस कारण से भटका हुआ, उस भटकाव को भूलकर उस स्थान पर फिर हम स्थापित होंगे। और कहा भी गया है, निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के साथ। हम पशु वातावरण में नहीं जी सकते, हम गौरवानी वातावरण में रहेंगे, ये मेरा संकल्प होगा। इस वातावरण को बनाने के लिए आपका स्नेह और आशीर्वाद की जरूरत है। एक नए माहौल में हम कदम बढ़ाए, 21वीं सदी का भारत विश्व गुरु बने, इसमें गवाह नहीं भागीदार हर लोगों को होना है। और उस भागीदारी में आप सुनिश्चित कर लें कि हम अपने बच्चों को, अपने अगल बगल के लोगों को, अपने पीढ़ी को उपहार में क्या देंगे, कैसे माहौल बनाएंगे। हम संकीर्णताओं की सीमाओं को तोड़कर हम वसुधैव कुटुंबकम की भाव से अपने सभी मां भारती के संतानों को एक नए रूप में आगे बढ़ने का अवसर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय का नाम ऊंचा कर रहे, ऐसे विभूतियों से तो इस तरीके से सामूहिक रूप से रूबरू होने का और बातचीत करने का अवसर कम ही मिलता है। और इस कॉलेज के प्रबंधन ने और संजय जी ने यह अवसर हम लोगों को उपलब्ध कराया है, इसलिए मैं इनके प्रति और इस महाविद्यालय परिवार के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। आप सभी जानते हैं कि पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन का एक अपना महत्व होता है और मैं इनको बधाई देता हूं। जैसा कि मुझे बताया गया है, पक्की जानकारी नहीं है कि शायद ये पहली बार होना ये होना चाहिए, क्योंकि इसकी अपनी विशेषता है। ये मामूली कार्यक्रम नहीं होता है, एक से एक अपने अपने क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले लोग जब प्रथम पंक्ति में बैठे हों और इस महाविद्यालय के छात्र पीछे से लेकर ऊपर से आप देख सकते हैं कि इतनी लालसा और जिज्ञासा भरी नजरों से नीचे देख रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं कि ये उनके लिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक आदर्श के रूप में उन वर्तमान छात्रों के बीच आप प्रस्तुत हो रहे हैं। और हमारे सभी छात्र और छात्राएं आज प्रोत्साहित हो रहे हैं आप लोगों की उपस्थिति से, और उनके मन में जरूर इस तरह की भावना उत्पन्न हो रही है कि जब आपकी जैसी युवतियां जो कल किसी महाविद्यालय के छात्र और आज आपने ये ऊंचाई हासिल की है, तो जरूर उनके मन में भी एक उत्साह, एक उल्लास का भाव आ रहा हो कि शायद हम भी जोर लगाए तो आप में से किसी न किसी की ऊंचाई हम भी प्राप्त कर सकते हैं, ये उनके मन में भाव जगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये एक जुड़ाव लगाव का भी प्रतीक होता है कि आपने जिस शिक्षण संस्थान से शिक्षा ग्रहण की, आप किसी पद पर पहुंचे। दूसरी बात, मंच में बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे यह नहीं जानते होंगे कि मैं यहां का पूर्व छात्र भी रहा हूं और यहां का छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूं।
यही रेस्टोरेंट में मुझे बनाया था और उस समय जेपी मूवमेंट हुआ था और पूरे छात्र की समस्याओं को लेके मैंने जो आंदोलन किया वो सबको पता है और मीसा में हम जेल में गए। हमारे साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह जी वो भी हमारे क्लास के बैचमेट थे, शायद शिक्षा मंत्री को पता है नहीं, वो मेरे साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे, वो भी मेरे साथ आंदोलन में थे और हजारीबाग जेल हम दोनों साथ में मीसा में घुसे। ये बात आपको जानकारी देना चाहते हैं। आज हम सभी यहां कॉलेज के शानदार एमआई मीटिंग 2021 के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं, ये वास्तव में हम सबका सौभाग्य है। इस विश्वविद्यालय को ही नहीं पूरे देश को एक संदेश जा रहा है कि ऐसे इस कॉलेज से जिस विद्यार्थियों में उत्पन्न इस कॉलेज के जिन विद्यार्थियों का उत्पत्ति हुआ जो कि आज हमारे देश में एक आश्चर्यजनक जो आप इसी कॉलेज से पढ़े विद्यार्थी हमारे भागलपुर के माननीय विधायक अजीत बाबू ने बहुत सारी बातें कह दी आपको इस कॉलेज का सारा दूरदर्शन और गोपाल बाबू ने भी अपनी बातें बहुत बखूबी से रखकर हमारे माननीय शिक्षा मंत्री माननीय बिहार विधानसभा अध्यक्ष के सामने जो बातें रखते हैं और संजय बाबू ने मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, मैं इसकी चुनौती करना चाहता हूं। हमारे अध्यक्ष महोदय कहा जाता है बिहार में अगर कोई कुर्सी होता है हर चीज से ऊंचा तो अध्यक्ष का होता है और एक अध्यक्ष भी है और एक पूर्व अध्यक्ष के साथ शिक्षा मंत्री है। जिस कॉलेज में और जिस क्षेत्र में इन दोनों व्यक्तियों का आगमन हुआ है वो तो ऐसे धन्य धन्य हो गया। जब धन्य धन हो गया तो फिर धन की क्या कमी है, तो धन की कमी ही नहीं है तो उतना ही नहीं है कि करना क्या है। हम तो क्या कहेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री से कि अब आपको सिर्फ देने की कमी है जो उसमें कटौती नहीं करे। मैं आदर पूर्वक आप दोनों व्यक्तियों को मानना चाहता हूं। यह निश्चित ही हम लोगों के लिए एक अच्छी सबक और सुकून की बात है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के संज्ञान में और माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा के संज्ञान में भी लेना चाहता हूं। महोदय 142 पद यहां सृजित और हमको लगता है मात्र 42 शिक्षक हैं टीएनवी कॉलेज से और आप लोग सहयात्री हैं जो सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की। तो अब तो सरकार ने जब सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में विश्वविद्यालय की स्थापना की तो ऐसे महाविद्यालय जो राज्य में या देश में पटना यूनिवर्सिटी के बाद अगर केंद्रीय कॉलेज का नाम आता हो तो इनको भी कुछ दिया जाए, इनके लिए भी कुछ किया जाए। और निश्चित ही जब इसके इतिहास को पढ़ेंगे महोदय, जब आपको स्मारिका मिली है तो निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे केंद्रीय कॉलेज ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन लिया नहीं है किसी से, दिया है। हमें अपेक्षा है महाविद्यालय परिवार को अपेक्षा है, विश्वविद्यालय परिवार को अपेक्षा है, अगर इस विश्वविद्यालय में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अगर कोई भी कॉलेज जो इस तरह का हो जिसके पूर्ववर्ती छात्र कहां कहां नहीं गए होंगे, कितना योगदान दिए होंगे, सच में माननीय विधायक नगर विधायक जी ने कहा एक डेटा कलेक्ट किया जाए और मुझे तो लगता है मैं एक सुझाव देना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, पूर्व में जितने भी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी महामना मालवीय जी के भी वो उस समय कहा जाता था वो झोला लेकर के चंदा इकट्ठा करते थे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की स्थापना की। अगर बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करते हुए या अगर अधिकारिता किसी महाविद्यालय को और विश्वविद्यालय को दी जाती है, विश्वविद्यालय में तो है परोक्ष रूप से विश्वविद्यालय में है, लेकिन महाविद्यालय में अगर एल्यूमिनाई कुछ दे सकते हैं और विश्वविद्यालय
बिहार राज्य विश्वविद्यालय में संशोधन के आधार पर इस तरह की नीति बननी चाहिए। हार्दिक स्वागत करता हूँ। पीएनबी कॉलेज बिहार एवं झारखंड में एक प्राचीनतम कॉलेज है। भारत या यूएन हिंदुस्तान के मानचित्र पीएनबी कॉलेज भागलपुर विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक प्रसाद में उपस्थित कुलवर्ती छात्र सम्मेलन में मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय दिलीप कुमार सिन्हा जी को हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं। इनका बेहतर साक्षर के किले के भी इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पूर्ववर्ती छात्रों के मां समागमन में अपना योगदान देकर अपना कीमती पद देकर हम लोगों को अनुग्रह किया। मैं इनके लिए निश्चित रूप से मैं ये हार्दिक दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ।